सर इस बिल का स्वागत करते हैं हम, लेकिन मेरे कुछ दो तीन सुझाव भी है जो माननीय सांसद जी ने भी कहा था। आप हर एक स्टेट में ये पूछिए कि कौन कौन ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो मतलब ऑलरेडी होना चाहिए थे बट वो हो नहीं पा रहे हैं। उड़ीसा का मैं एग्जांपल देता हूँ सर, देर आर थ्री ट्राइब्स, झोड़िया कम्युनिटी इन काशीपुर ब्लॉक, धरुआ इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट एंड धोरा इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। ऑलरेडी द कम्युनिटी पीपल हैव मेट आवर मिनिस्टर स्टेट ऑल्सो व्हेन ही हैड विजिटेड द प्लेस and they're very well deserving। झोड़िया कम्युनिटी एग्जाम्पल दूंगा, 97 तक वो आदिवासी थे, वो बगल वाला कलांडी में आदिवासी है लेकिन काशीपुर में आदिवासी नहीं है। द सेम विद धरुआ एंड धोरा, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए यहाँ वो छूट गया है। तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा सर इसके बारे में आप रिव्यू कीजिएगा। एंड इस कम्युनिटी दे आर वेरी डिजर्विंग, दे आर एक्चुअली ट्राइबल्स विद ऑल द कल्चर एंड एवरीथिंग, दे शुड बी लिटरली इंक्लूडेड। सर एक और रिक्वेस्ट है हम लोग सोरा लैंग्वेज का, द प्रिमिटिव सोरा लैंग्वेज हैविंग बीन गिवन by our ancestors and now supported with a unique script, Sora Sampak, invented during the year 1936 by late Sora Pandit Mangai Gomang, is a long pending demand to be included in the language in the 8th schedule of Indian Constitution. ये सोरा लैंग्वेज जो है ये हम लोग का अपना स्क्रिप्ट है, 1936 में इन्वेंट हो गई है, इसके कई बार हम लोग डिमांड कर चुके हैं एंड इसको आप अगर 8th schedule of the Constitution में लैंग्वेज में इंक्लूड करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। एक चीज है सर, हम सब जानते हैं कि ट्राइबल सबसे गरीब है, बट एक और समस्या है कि ट्राइबल सब कोई अमीर ट्राइबल को नहीं देखोगे, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं देखोगे, कोई बिजनेसमैन नहीं देखोगे। उसका भी एक कारण है जो आपके वेरियस एक्ट से, ओलार एक्ट हो या जो भी है, क्या होता है अपने क्षेत्र में, मेरे पास जमीन है 5 एकड़ के अंदर जमीन है तो उसको मैं बेच नहीं सकता हूँ, बैंक हमें लोन नहीं देती है, उसको मोर्टगेज नहीं कर सकता हूँ, हम लोग का डेवलपमेंट कैसे होगा। ऐसे बहुत से परिवार है जिनके पास 1 से 5 एकड़ जमीन है बट उनका कुछ उधार ही नहीं होता है। अब क्या हुआ सर, अब जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया या फिर कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट हो गया, फैक्ट्री हो गया, अब सरकार उसी लैंड को एक्वायर कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल कोरापुट में एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है जिसका ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं है, उसका दाम बहुत कम है, जो मार्केट वैल्यू अभी आ रहा है सर दैट इज वेरी वेरी लेस, 30,000 रुपये एकड़ आ रहा है। आंध्रा में जाओगे वो सेम जनरल जमीन 1 करोड़ एकड़ का दाम है। सो ये गड़बड़ी है सर, इसीलिए आप देखोगे कि कोई आदिवासी ये अमीर नहीं बनता, एंटरप्रेनर नहीं बनता, बिजनेसमैन नहीं बनता, इसका एक समाधान होना चाहिए। एंड मुझे लगता है अपने मंत्री जी जो अर्जुन है तो उनको एक कोई कदम उठाना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण को भी बुलाए, ये आदिवासी लोग कैसे एंटरप्रेनर बन पाए, उनको कम से कम बैंक से लोन मिले, मोर्टगेज करे, अपने जगह को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है एंड वो जमीन वैसे ही रहता है। लास्ट में क्या होता है कि सरकारी कोई फैक्ट्री लेके आते हैं, उसको एनक्रोच कर लेते हैं, उनको लैंड एक्वायर करते हैं, या भारतमाला प्रोजेक्ट तो ये होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है सर कि ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार, केंद्र सरकार के भी कई सारे मिनिस्ट्रीज को ये अपना पैसा खर्चा करने की जरूरत है। लेकिन अगर देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एग्जाम्पल देता हूं मैं, IITs के लिए 250 करोड़ का सैंक्शन हुआ है लेकिन कितने IITs PhD कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, 95% सीट खाली है। ये पैसा आप ट्राइबल के नाम पे लेते हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट देते हो जो ट्राइबल मिनिस्ट्री से कॉन्स्टिट्यूशन अंदर है बट वो पैसा खर्चा नहीं होता है। वैकेंसीज देखोगे कितने ट्राइबल्स में वैकेंसी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा इसमें ट्राइबल इतने वैकेंसी है लेकिन कोई ट्राइबल पढ़ ही नहीं पाता है, कोई ज्वाइन नहीं कर पाता, ये विभिन्न समस्या है सर। एंड आप देखोगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आदिवासियों के डिसप्लेसमेंट है, आप हम लोग जंगल जमीन हजारों साल से रहते आ रहे हैं, अब सब खत्म हो गया तो आप माइनिंग के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में हम आदिवासी के पास आ जाते हो, हमारी जमीन लेने की कोशिश करते हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट, जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है सर। पोलावरम प्रोजेक्ट ये अगर होगा तो हजारों आदिवासी वो डूब जाएंगे वहां मलकानगिरी में, नालको में, नालको को प्राइवेटाइज कर रहे हो, जो आदिवासी लोग अपना जमीन दिए हैं, जो आदिवासी लोग वहां पर रिजर्वेशन में वो नौकरी कर रहे हैं वो कहां जाएंगे। समस्या है कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है, नालको के एग्जाम्पल में दे रहा हूं, उसमें एक परिवार को एक नौकरी दी है एंड जमीन लिए हजारों हजारों एकड़ जमीन लिए सब लोगों से। अब वो परिवार का एक बंदा, उसके परिवार में 5 बंदे हैं, वो परिवार, वो बंदा अगर मर गया तो और कुछ नहीं है सर। ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, मैं माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इसको देखिए, एक नौकरी देने से काफी नहीं है, आप पीढ़ी के बाद पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, जनरेशन के बाद जनरेशन कैसे उसको आप थैतान कर सकते हो, उसके आप कोशिश कीजिए। या फिर मेरा तो एक सुझाव है, इसको एक शेयरिंग मॉडल में कर दो, जैसे मैं अपना जमीन दे रहा हूँ कोई फैक्ट्री के लिए, मुझे एक शेयर होल्डर बना दीजिएगा आप, तो मैं जिंदगी भर मैं अपना देता रहूँगा। सर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, बहुत सारे समस्या है सर। एंड हमारे 10 करोड़ आदिवासी हैं इंडिया में, 47 MPs है,
मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी एंड अर्जुन जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दिन चर्चा कीजिए आदिवासियों क्या प्रॉब्लम है। सारे सांसद आदिवासी लोग हम लोग बोलेंगे एक्चुअली हमें क्या प्रॉब्लम है, खाली रिजर्वेशन देने से हमारे प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो रहा सर, इस पर एक आलोचना होना चाहिए एंड पार्लियामेंट से बड़ी जगह कोई नहीं है। तो मैं अनुरोध करता हूँ अर्जुन जी को, आप देखिए क्या कर सकते हो, हम आदिवासी का डिमांड कैसे फुलफिल कर सकते हो, एक दिन का चर्चा कराइए, सारे सांसद को बुलाओ, हम सब मिलकर यहाँ पे करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या है, खाली रिजर्वेशन हम लोग का हल है कि हमारा डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड इस बिल का समर्थन करते हैं। थैंक यू।